गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटरमिनेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आइए जानते हैं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं सर विद इन डिटरमिनेंट, है ना। तो आज का टॉपिक होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बेसिकली आप पहले से भी जानते होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है सर, ट्रायंगल में थ्री वर्टेक्स होता है, ए बी सी। फर्स्ट वर्टेक्स को x1 y1, इसको x2 y2, और ये हमारा x3 y3 है सर, है ना। ये तीन वर्टेक्स होता है ट्रायंगल में, उसको कंसीडर कर लिए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो एक बेसिक फॉर्मूला आप जानते होंगे पहले से ही कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछेगा सर, तो हम लोग अगर तीनों वर्टेक्स गिवेन हो तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही होता ना, इतना स्क्वायर यूनिट होता है सर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक, जिसके बारे में आप पहले भी देखे होंगे, जाने होंगे। तो आज जो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। इट मींस डिटरमिनेंट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ये आप पहले से जान रहे थे, आज का जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हम लोग किस मेथड से निकालेंगे सर, डिटरमिनेंट मेथड से। उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ, हाफ इसमें भी जाता है लेकिन डिटरमिनेंट के फॉर्म में जाता है सर। अब यहाँ पे जो ये तीनों वर्टेक्स है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इसको हम लोग नोट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे सर, x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहां 1 1 1, इसको सोल्व कर देंगे। तो यही, इट मीन्स जो हमारा ये तीनों वर्टेक्स गिवन है ए बी सी, उसको डिटरमिनेंट मेथड से इस तरीका से लिखते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3, और लास्ट कॉलम है हमारा उसमें 1 1 1 लिखते हैं। अब आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए हम सिखाएं, तो डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, कोई एक रो या कोई एक कॉलम को लेकर एक्सपेंड करते हैं सर, उसके बाद उसको सॉल्यूशन निकालते हैं, जो वैल्यू आता है वही डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। तो आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे इसमें, है ना। तो आइए अब हम लोग स्क्रीन पे आते हैं, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्योंकि इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए, आपसे पूछ रहा है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है सर, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 1 2 3 करके। उसमें क्या इंफॉर्मेशन है सर, वो आपको वर्टेक्स गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल में पता है आपको कि 3 वर्टेक्स होता है सर, तो ये तीनों वर्टेक्स गिवन है सर। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 106043, तो ये क्या गिवन है सर, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आप डिटरमिनेंट मेथड में दिखाएं कि कैसे लिखते हैं सर। तो आप पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को हमने नोट कर लिया, ये 3 वर्टेक्स गिवन था सर, उसको हमने पहले लिख दिया। अब क्या क्या गिवन है सर, उसको पहले लिख लेते हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी एक पॉइंट गिवन होता है तो फर्स्टली x, उसके बाद y लिख जाता है ना। तो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, x1 कितना हो गया सर 1, x2 कितना हो गया 6, सिमिलरली x3 हमारा 4 हो गया। अब y1 y2 y3 भी लिख लेते हैं, y1 0 y2 भी 0 है सर और y3 3 है।
क्योंकि एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री है ना। और ये अगर समझने के लिए हम लोग फिगर भी दिखा सकते हैं कि ए बी सी है, एक वर्टेक्स 10 है सर, अदर वर्टेक्स 060, यही है ना। अब आपके पास फार्मूला है क्या चीज का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या है डिटरमिनेंट मेथड से हमें अभी जस्ट आपको लिखवाए थे x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर, हमारे पास x1 x2 x3 भी है, y1 y2 y3 भी है और 1 1 1 सेम उसी तरीका से रह जाएगा। तो जो नेक्स्ट होगा हमारा क्या करेंगे, इसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x1 है हमारा 1 6 4, सेकेंड कॉलम में y1 y2 y3 के प्लेस पे 0 0 3 होगा सर, ये 1 1 1 ही रह जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि आपका एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना सर, इसको सॉल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा चलाकी भी करना है कि कैसे हम लोग मूव करें कि क्या हो, मिनिमम वर्क में मेरा आंसर आ जाए, है ना, कि लेंदी कैलकुलेशन ना हो सर। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन करें, किसके थ्रू हम लोग मूव करें। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम सेकंड में आपका 2 एलिमेंट 0 है सर। और आपको ये भी हम बता चुके हैं, क्या बताएं, कि किसी भी डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई एक रो या एक कॉलम को कंप्लीट सोल्व करना पड़ता है। तो देखेंगे जिसमें मिनिमम वर्क करना पड़े उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि सेकंड कॉलम में 2 एलिमेंट 0 है सर, तो एक ही एलिमेंट को सोल्व करना पड़ेगा ना। तो हम लोग सेकंड कॉलम को लेके मूव करेंगे। अगर कोई पूछे कि क्यों इससे मूव कर रहे हैं, तो उसका रीजन है हमारे पास। और यहाँ पे फार्मूला में हाफ आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 1y2 होता है, 1y2 इंटू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री 1 1 1, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C2, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो हाफ तो बाहर ही रहेगा सर। और आपको बताएं कि कैसे मूव करता है, प्लस माइनस प्लस, इसका रीजन बताएं कि प्लस माइनस प्लस में जाता है सर। अगर रो वाई गए तो और कॉलम वाई गए तो भी प्लस माइनस प्लस। तो जो जिस एलिमेंट को ब्रेक करना वो आपका पॉजिटिव होगा, अदर जो एलिमेंट है वो तो जीरो ही है सर। तो जो एलिमेंट है सिर्फ इसी को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो हाफ बाहर हो गया, 3 को लिखेंगे तो क्या होगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल को ढक देते हैं। तो अगर हम इसके हॉरिजेंटल को ढक दें और वर्टिकल को, तो कौन सा एलिमेंट बचेगा, 1 6 1 1, तो हो जाएगा हमारा 1 6 1 1, यही होगा ना। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, हाफ तो बाहर है सर। आपको पता है कि अगर 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 into 1 1 -6 into 1 6, ये कितना हो जाएगा हाफ, ये आपका -5 हो गया सर, -5 into 3 -15, ये आ गया -15y2। अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान देना है वो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं ना। कभी आप सुने हैं कि एरिया निगेटिव होता है, एरिया जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता सर। जैसे कि कभी हम लोग जब नंबर के बारे में पूछते हैं कि कितना स्टूडेंट प्रेजेंट है जी, तो जीरो बोल सकते हैं, कभी बोलते हैं कि -2 स्टूडेंट आ जाया सर, नहीं। उसी तरीका से एरिया भी कैनॉट बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं लिया जाता। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 15y2, क्यों, क्योंकि आप यूनिट इसका होता है स्क्वायर यूनिट, इसलिए इसमें स्क्वायर यूनिट होता है कि निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा सर, जैसे उसका स्क्वायर है। तो आपका यूनिट में लास्ट में लिख देंगे 15y2 स्क्वायर यूनिट। तो आप इसको नोट कर लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो आइए देखते हैं नंबर वन का ही थर्ड सेकंड आपसे बनेगा। थर्ड भी सेम ही है, लेकिन थर्ड को नोट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। हाँ देखिए कि सर क्वेश्चन ए बना कैसे, सर सिंपली था, सिर्फ प्लस माइनस इसमें गिवन था, ऐसे सेम ही था, थ्री पॉइंट गिवन है यहाँ भी, क्योंकि ट्रायंगल है सर तो थ्री वर्टेक्स होगा, हमने x1, x2, x3, y1, y2, y3 को नोट कर लिया, फार्मूला तो सेम ही है सर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ देख रहे थे कि आप कैसे भी मूव कर सकते हैं रो वाई या कॉलम वाई, हम सिंपली फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मूव कर गए हैं। और यहाँ एक ही चीज का ख्याल रखना सर, वो है आपका प्लस माइनस, कि प्लस माइनस प्लस में जाता है सर। देखिए ये माइनस टू था, इसके वर्टिकल और हॉरिजेंटल को ढक देंगे सर तो ये एलिमेंट होगा, लिख दिए, फिर माइनस आता, देखो यहाँ माइनस हम लिखे हैं और एलिमेंट कंफ्यूज नहीं करना, फिर माइनस थ्री हम ब्रैकेट में लिखे, जब माइनस थ्री को लिए सर तो इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल को ढकिएगा तो इधर थ्री माइनस वन 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 बचेगा सर, फिर वन पे आएंगे इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल को ढकेंगे तो ये रिमेनिंग होगा मेरा थ्री माइनस वन टू माइनस एट, उसके बाद तो बस कैलकुलेशन कर देना है, प्लस माइनस आपका निगेटिव में आएगा, लास्ट में लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसमें दे रहा है सो दैट पॉइंट, पॉइंट गिवन है सर ए बी सी आर कॉलिनियर, यहाँ पे एक जो वर्ड आया कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है सर अगर उसको समझ जाइएगा तो ये भी क्वेश्चन आपका आसानी है, तो आइए पहले समझते हैं कॉलिनियर के बारे में। कॉलिनियर क्या होता है, कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे सारा पॉइंट लाइक कर जाए, जैसे कि एक लाइन है सर इसी पे जितना भी पॉइंट है, अगर तीन पॉइंट है तो तीनों एक ही लाइन पे लाइक कर जाए। इसको और बेसिक में समझिए तो देखिए दिखा रहे, एक ट्रायंगल है यहां ए बी सी, आप देख रहे हैं कि एक लाइन बी सी है उसपे दो पॉइंट है सर, बी और सी एक ही लाइन पे है, ए जो पॉइंट है ऊपर है, ऊपर है ना, अबव द लाइन बी सी। अब क्या करें, अगर ये पॉइंट को नीचे मूव कर दें यहां आ जाए, तो अब देखिए ट्रायंगल ए यहां आ गया, यहां से कूद के ये डैश हो गया। अब इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ए डैश बी सी का एरिया किसका बड़ा होगा सर, जो ऊपर ये है इसका एरिया ग्रेटर होगा ना, ट्रायंगल छोटा हो गया। अगर इसको और नीचे लाएं सर यहां, अब इसका जो एरिया होगा मान लीजिए ए डबल डैश, इसका एरिया और छोटा होगा ना कंपेरिजन टू दिस। इसी तरीका से अगर इसको और नीचे ले आए तो सर और कम होगा सर, अगर ए को यहां ना लाके अगर इसी पे ले आए तो सर, जैसे ही इस ए को इसी इस लाइन पे ले आइएगा तो आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं सर, बनेगा नहीं, बनेगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया होगा सर, नहीं होगा, इट मींस कॉलिनियर का मतलब ही होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो निकाल देते हैं सर तो आपका कॉलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो आपका थ्री वर्टेक्स गिवन है, अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जो आपका क्वेश्चन गिवन था स्क्रीन पे, क्वेश्चन को नोट कीजिए, थ्री वर्टेक्स गिवन है ए बी सी, उसके बाद इसमें करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है इसको जीरो, इट मींस आपको प्रूफ कर देना है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। आप नोट कीजिए और खुद से इसको एक कीजिए, तो क्वेश्चन पे कि सर ये बनेगा कैसे सर ये क्वेश्चन, तो ऊपर में देखिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं कि इफ ए बी सी आर कॉलिनियर होगा, तो कॉलिनियर का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू अगर हो जाता है सर
तो वो क्या होगा, आपका कॉलिनियर होगा। अब आपके क्वेश्चन में थ्री वर्टेक्स गिवन है सर, ए बी सी, ये वर्टेक्स गिवन है, इट मींस ये क्या गिवन है सर, ये एक्स गिवन है, ये वाई गिवन है। यहाँ थ्री वर्टेक्स है तो एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। यहाँ हम नोट कर दिए कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो गया मेरा, वाई वन वाई टू लिख दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट मेथड में हाफ, और डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिख दिए, वाई वन वाई टू वाई थ्री और वन वन वन। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन के जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में खूब अच्छे से सीखे कि अगर इस डिटरमिनेंट को जीरो बनाना है तो जीरो बनाने के लिए आपको हम प्रॉपर्टी बताए थे कि चाहे दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर लीजिए या कोई एक रो या एक कॉलम को जीरो बना दीजिए तो आपका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक जो हमारा कॉलम है वन 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 है, इट मीन्स अगर एक को और वन वन बना दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा सर। तो कुछ प्लानिंग तो पहले करना पड़ता है ना, अकॉर्डिंग टू जैसा सिचुएशन है। तो एक तो क्लियर किए हुए सर, अब अगर हम यहाँ क्या किए, सेकेंड कॉलम में ऑपरेशन किए, क्या ऑपरेशन किए कि अगर कॉलम टू में कॉलम वन को ऐड करते हैं, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा क्योंकि इसमें ए बी है सर सी, इसमें सी ए है बी घट रहा है, इसमें बी सी ए घट रहा है। अगर ये ऑपरेशन जैसे ही कीजिएगा आपका ऐसा फिगर बनेगा, बनेगा ना कॉलम टू में। अब देख रहे हैं कि कॉलम टू में ए प्लस बी प्लस सी सारे में है एलिमेंट, सारा एलिमेंट मेरा सेम है सर, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी कहां फ्रॉम सी टू, सी टू हम लोग कॉमन ले लेंगे सर, क्या चीज को ए प्लस बी प्लस सी को। तो जैसे ही आप लोग कॉमन लीजिएगा तो हाफ तो बाहर है ही सर, पहले से ए प्लस बी प्लस सी भी कॉमन हो गया। अब हमारे डिटरमिनेंट में क्या बच गया, ए बी सी है, यहाँ वन 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 बचेगा क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन ही हो गया और यहाँ भी वन वन वन। अब आपको जो प्रॉपर्टी बताए थे हम डिटरमिनेंट में वो आपको दिख रहा होगा यहाँ कि इफ टू रो या टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम जीरो। आप यहाँ पे लिखिएगा ना, इफ द टू रो और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बिकम जीरो होगा सर, ये प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पे नोट करके लिख दीजिएगा, उसके बाद देयरफॉर हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इनटू जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों लिखे, उसका रीजन अभी हम बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा, ब्रैकेट में लिख देंगे सी वन एंड सी टू आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है सर, कौन कौन, C1 और C, सॉरी C2 और C3, C2 और C3 दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया सर, तो उस डिटरमिनेंट तो क्या हो जाएगा हीरो, जीरो हो जाएगा। तो समथिंग इनटू जीरो, जीरो आ गया सर, और जैसे ही जीरो आ गया हैंस प्रूफ हो गया कि ए बी सी आर लिखेंगे, हैंस ए बी सी आर कॉलिनियर, यही आपसे पूछ रहा था ना, नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि आपके स्क्रीन पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज फोर स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवेन है सर कितना, फोर स्क्वायर यूनिट है ना, एंड वर्टिसेस, यहां वर्टेक्स दिया हुआ है आपको, दो क्वेश्चन है, थ्री में दो क्वेश्चन दिया है वन और टू करके, तो एक एक कर हम लोग क्लियर करेंगे। आप देख रहे हैं यहां आपसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के कहां है सर, आप देख रहे हैं कि एक वर्टेक्स में, इट मींस एक पॉइंट में एक जो वैल्यू है आपका के फॉर्म में, और वो कौन सा है, एक्स के प्लेस पे है ना, तो एक के जीरो है सर, एक फोर जीरो है, एक जीरो टू है। तो
मेथड वही यूज होगा जो हम लोग सीखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का डिटरमिनेंट मेथड से. क्या सीखे? हाफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन 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 कॉलम बाई अभी हम लिख बताएं आपको. तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस पे हम लोग प्लस माइनस यहाँ फोर लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फोर स्क्वायर यूनिट है. आप देख रहे थे कि एरिया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखा रहा था, तो यहाँ स्क्वायर यूनिट है, तो जब भी एरिया लिखना होगा तो प्लस माइनस, क्योंकि पॉइंट का बात है कि प्लस लेंगे तो क्या पॉइंट आएगा सर, माइनस लेंगे. तो एरिया में भी आप लिखिएगा तो प्लस माइनस फोर लिखिएगा. क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको बनाइए. तो हाँ देखिए ये गिवेन है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे चुका है ना, फोर स्क्वायर यूनिट, उसको हमने लिखा यहाँ प्लस माइनस फोर दोनों आपको लिखना है. क्योंकि कभी कभी आप देखें जैसे ही हम लोग एरिया ऑफ निकाल रहे थे सर, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा था, तो यहाँ स्क्वायर यूनिट है ना, तो ये प्लस माइनस में ये वर्टेक्स गिवन है. यहीं पे गलती होता है कभी कभी हम लोग से, डायरेक्ट हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं. फिर सेम एज हम लोग एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के प्लेस पे के फोर जीरो पुट कर दिए, यहाँ पे वाई वन वाई टू वाई थ्री के प्लेस पे जीरो जीरो टू. जैसे ही हम लोग क्या किए, रो या कॉलम वाई आप सोल्व कर सकते हैं, हम रो वाई चले. यहाँ पे हम सेकंड एलिमेंट को सोल्व नहीं किए, यहाँ दो ही को ले चले सर, क्योंकि सेकंड एलिमेंट आपका जीरो है, ऐसे भी कर देगा, तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले को लिए. ये प्लस माइनस फोर है, हाफ ऑफ करके इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा. यहाँ पे आके हम टेकन पॉजिटिव, इट मीन्स प्लस फोर लेके कैलकुलेट किए, जीरो आया. फिर अगर नेगेटिव साइन लेंगे सर तो ये माइनस फोर हो जाएगा, और इधर यही होगा ना, माइनस के प्लस फोर, डायरेक्ट हम ये चीज को लिख दिए. और ये माइनस को इधर लाएंगे प्लस, और ये माइनस फोर को इधर लाएंगे प्लस फोर. तो इस तरीका से जीरो और एट आएगा, आप नोट कर लीजिए जिनसे नहीं बना. तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग सेशन को. तो थैंक यू वेरी मच सब.